ये ट्रक ड्राइवर, हम इनसे बात करते हैं, क्या परेशानी आ रही है, क्यों गाड़ी वाले रोकते हैं आप यहाँ आरटीओ को रोक रहे हैं? आरटीओ सर जी एंट्री करता है यहाँ पे और एंट्री के नाम पर पैसे लेते हैं, कागज पत्र चेक होने के बावजूद भी पैसे लेते हैं, 1,000, 500, 2,000, 3,000 जितना भी जिससे लग जाए, बाहर की गाड़ी देख के जाना पैसे मांगते हैं। अगर कोई लोकल है तो उसको अपने स्तर पर ही निकाल देते हैं। कब से रोक रखा आप? हम तो 2-2.5 घंटे से खड़े सर, 3.5-3 घंटे होने को जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे थे? हम अपने घर से निकले अभी, यहाँ से ललितपुर से, तो यहाँ पे रोकना पड़ा फिर गाड़ी। मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे रोक लेते हैं आपको? हाँ, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे रोक लेते हैं। तो आरटीओ से रोज वसूली कर रहा है? वसूली कर रहा है, यहाँ भी वसूली कर रहा है, आगे जहाँ जहाँ एमपी लगती है वहाँ भी ऐसे ही काम चलता है, बैरियर लगा देते हैं। हाँ। अपना पैसे की वसूली हो रही है। अब रात के समय में निकल नहीं पाते हैं वैसे भी, अगर दिन के समय चल रहे तो ये परेशानी खड़ी हो जाती है। हाँ जी, आप देख सकते हैं ट्रक संचालक है जिनका कहना है कि हमें 2-3 घंटों में इसी तरह यहाँ पर रोक के ये जो आरटीओ वसूली करता है, ये तमाम जो ट्रक है आप देखना देख सकते हैं इस तरह से तमाम लोग जो ट्रक के ड्राइवर वो बहुत परेशान है, क्योंकि 2-3 हजार रुपए हमसे वसूली आरटीओ द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भले ही निर्देश दे दिए हो कि प्रदेश की चौकियां बंद कर दी है आरटीओ, लेकिन किस तरह से वसूली की जा रही है उसका एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर हकीकत दिखा रहा है। मध्य प्रदेश और यूपी की बॉर्डर पर हम मालथोन पे मौजूद हैं। ये आरटीओ ने बैरिगेट से लगा दिए, आप देखिए किस तरह से ये 3-3 बैरिगेट से लगाए हैं। ये हाईवे है और ये आरटीओ की गाड़ी खड़ी है जिसपे लिखा है आरटीओ चेक पॉइंट सागर वन। ये गाड़ी इस तरह से खड़ी कर दी जाती है, पुलिस के जवान है ये आरटीओ के है, आप देखिए किस तरह से आरटीओ के जवान खड़े, वो खुद गाड़ियों को यहाँ पर रोक रहे हैं। तमाम गाड़ियां जो आती है यूपी और बिहार, तमाम दिल्ली से ये जो गाड़ी आ रही है ना, उनको यहाँ पर रोक दिया गया है। हम खुद इनसे बात करें, सर ये गाड़ी है क्यों रोक रहे हैं यहाँ पर? हमें तो मैडम ये बताया कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से पहुँचा दो। कौन है मैडम? आरटीओ कौन है यहाँ? टीएसआई है। अच्छा, आपको मालूम मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया चेक पॉइंटों को? आप उनसे मिल लो ना, हम तो आपके वाले हैं। रोक रहा है ये तमाम गाड़ी वाले परेशान हो रहा है, इनका कितना परेशान हो रहा है, ये क्या वसूली क्यों कर रहा है, आरोप लगा रहा है सीधे। तो हमें तो नहीं पता, हम तो सिर्फ गाड़ी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह तोमर। तो ये तो चेक पोस्ट तो बंद कर दी है? अब चेक पोस्ट बंद कर दी, अब इन लोगों का तो रोजीना का धंधा है जी। अच्छा, रोज गाड़ियाँ परेशान करते हैं, इस तरह से वसूली हो रही है? हाँ, रोज हो रही। अच्छा, गाड़ियों को इस तरह रोकते हैं ना जी? तो आप देख सकते हैं तमाम जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ रोक दिया जाता है। और ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये ड्राइवर है, क्या नाम है आपका? राम कुमार है जी। अच्छा, गाड़ियों को रोकी है? गाड़ियां ये ओवर है, पैसे लेते हैं, मारपीट करते हैं, इतना इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। पैसे उगाते हैं, मारपीट करते हैं जबरदस्ती, ड्राइवर नहीं देता कोने ले जाते हैं, किसी खाना नहीं, किसी पीना नहीं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके यहाँ रोड पे घूम रहे हैं हम लोग, कोई ड्राइवर का मेल नहीं देता, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं करता, कोई अधिकार नहीं। अब किसी को जाना है या खाना खाएगा, कोई कुछ करेगा रोड पे? यहाँ ये क्या पैसे के लिए रोका? पैसे के लिए रोका हुआ, अभी सब देंगे 1,000-1,500 रुपए, एक भी गाड़ी नहीं मिलेगा यहाँ पे। आके तो एक मिनट, कोई नाका इनके लिए बंद नहीं होता, प्रशासन बंद कर देता है, ये लोग चालू करवाते हैं, ऊपर तक इनका पैसा जाता है, लेकिन इनके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल। हर समय इन्होंने यहाँ पे 2 घंटे हो गए सर हमारे को खड़े खड़े। हाँ, आप देखिए तमाम ड्राइवर हैं और इनका कहना है कि हमसे अवैध वसूली की जाती है। और आप देखिए पूरा हाईवे में दिखाना चाहूंगा, एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर है ये मालथोन जो चेक पोस्ट है पूरी तरह से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश दिए हैं बंद करने के पूरे प्रदेश के चेक पोस्ट, लेकिन किस तरह से अवैध वसूली हो रही है वो दिखा रहा हूँ। ये जहाँ तक आप देखेंगे तमाम ये जो बड़ी बड़ी ट्रक है, जो वाहन है गाड़ियों के भरे हुए माल के, इनको रोक दिया जाएगा, क्योंकि इनसे वसूली करने के लिए यहाँ पर लगातार आप देखेंगे ये तमाम जहाँ तक देखेंगे वहां तक आपको ट्रक ही ट्रक नजर आएंगे, ये पूरे ट्रक लाइन से लगे हुए हैं। यानी कि अवैध वसूली का जो गोरख धंधा है वो लगातार मध्य प्रदेश के मालथोन यानी कि यूपी और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर लगातार चल रहा है। और ये देखिए आप जहां जहां तक नजर डालेंगे वहां वहां इसी तरह गाड़ियां दिख रही हैं और ये आरटीओ के द्वारा वसूली की जा रही है। तमाम जो ड्राइवर उनका सीधा सीधा आरोप है कि हमें परेशान किया जा रहा है, जब मध्य प्रदेश सरकार ने चेक पोस्ट बंद कर दी है तो क्यों वसूली की जा रही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.